मिलीम अल्लामक वरहल वबरक़ नाज्रेन इस वक्त हमारी गुफ्तु का मौजू है तलब इलम और आमाल का अहतमाम अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने और अल्लाह की महब्बत अपने दिल में पैदा करने के लिए एक मौसर तदबीर ये भी है कि क़ुरान और सुन्नत का इल ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जाए और नेकियों के मुख्तलिफ़ कामों का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम किया जाए उसकी पाबंदी की जाए अल्लाह के रसूल वसलम ने फरमाया है खैरकुमन तमान वालम तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो क़ुरान को सीखते हैं और उसको सिखाते हैं अल्लाह ताला ने कुर मजीद को नाजिल किया है ताकि हमारे ईमान और अमल की तैयारी इसके ज़रिए से हो क़ुरान अल्लाह से ताल्लुक को मज़बूत करने वाली किताब है इससे जितना ताल्लुक होगा जितना इसको पढ़ा जाएगा अल्लाह से ताल्लुक उतना मज़बूत होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के ज़रिए से क़ुरान अमल करके दिखाया क़ुरान की अमली तफसीर नबी करीम हयात तयबा है इसलिए उसको पढ़ना समझना उससे रहनुमाई हासिल करना और आपके उसवे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो ये शौक़ होना चाहिए सीखने का शौक़ पढ़ने का शौक़ जब तक ये शौक़ नहीं होगा और इस सिलसिले में कोशिश नहीं की जाएगी हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं हमारी ईमानी तरबियत हमारी रूहानी तरबियत अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से महब्बत इसके लिए बुनियाद किताब और सुन्नत से वाबस्तगी है इसका इल्म इसीलिए अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया है मैदिल खेरन यो फक् दिन अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की बूझ अता कर देता है दीन का इल्म और दीन का फहम अता कर देता है कोई आदमी इससे बेनियाज नहीं हो सकता है जो अल्लाह से अपने ताल्लुक को मज़बूत करना चाहे और अल्लाह की महब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करना चाहे वो कुरान और सुन्नत से बेनियाज नहीं हो सकता है कभी भी उससे मुस्तगनी नहीं हो सकता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर ये शौक़ हो इसके लिए तड़प हो इसके लिए मेहनत हो और इसके लिए कोशिश हो इसलिए कुरान में बहुत ज़्यादा इस पर ज़ोर दिया गया है सीखने पर सिखाने पर ग़ौर करने पर फिक्र करने पर अल्लाह तला का इरशाद है कुल हल यस्तविली आलमोन अवल्ल अल्लाम ए नबी कह दीजिए क्या इल्म रखने वाले और इल्म से महरूम ये दोनों बराबर हो सकते हैं कभी बराबर नहीं हो सकते हैं जो इल्म रखने वाले हैं वो रोशनी में और जिनको इल्म से दिलचस्पी नहीं है सीखते और सिखाते नहीं हैं वो अंधेरे में अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ और अल्लाह की खशियत तो उसी दिल में पैदा होती है जो इल्म की दौलत से हमकिनार हो इल्म का नूर जहाँ होगा वहाँ अल्लाह का खौफ होगा अल्लाह की खशियत होगी इसीलिए क़ुरान में कहा गया है इनमा यकशल इबादिल कि अल्लाह का डर और अल्लाह की खशियत तो उनही बंदों के दिल में होती है जिनके पास इल्म होता है मार्फत होती है नॉलेज होती है जो इस कायन के बारे में गौर करते हैं पढ़ते हैं देखते हैं समझते हैं तो उनको एहसास होता है कि इसको बनाने वाला कितना अजीम जब इस कायनात पर कोई आदमी गौर करता है इसमें जो निशानियां हैं उसके ऊपर गौर करता है तो उसके दिल में खालिक की अजमत पैदा होती है उसकी किबरियाई का एहसास पैदा होता है उसके जाहो जलाल का एहसास पैदा होता है कितनी ज़बरदस्त वो ताकत है जिसने इस कायनात को बनाया है जो इंतहाई मुस्तकम निज़ाम के तहत चल रही है इसीलिए क़ुरान में कहा गया है कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक में और रात और दिन के आने जाने में इन तमाम चीज़ों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं इस कायनात की तख्लीक पर गौर करते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह तूने इसे बे मकसद नहीं बनाया है तू पाक है इस चीज़ से कि तू बे मकसद कोई काम करे हर कमी से हर नक्श से तेरी ज़ात पाक है तू हमें अजाब जहन्नम से बचा ले तो ये इल्म ये नॉलेज ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए से अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होता है इसका अहतमाम करना चाहिए इसका शौक़ होना चाहिए इसके लिए मेहनत करनी चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा है तलब्लम फरीजा तो नला खुल्ल मुस्लिम ज़रूरी है फरीजा है हर मुसलमान के ऊपर कि वो इल्म हासिल करे आप इस हदीस पर गौर करें तो अंदाज़ा होगा कि आपने इस इरशाद के जरिए से इल्म हासिल करने में जो मेहनत होती है उसको इबादत का दर्जा दे दिया कि ये एक फरीज़ा है जिस तरीके से दीन के और फ़राज़ हैं ज़रूरी चीज़ें हैं उसी तरीके से ये सीखना और सिखाना बहुत ज़रूरी है तो जितना कुरान और सुन्नत का इल्म होगा नॉलेज हमारे पास होगी उतना ही अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होगा अल्लाह के रसूल सल वसम ने साहब कराम रिजवानल तजमैन के अंदर यही जज्बा पैदा किया था और यही तड़प पैदा की थी जिसके नतीजे में उनके अंदर ऐसा शौक़ पैदा हुआ सीखने का कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी उसके लिए वक्फ कर दी कुरान को पढ़ा हदीस को पढ़ा दीगर जो चीज़ें मौजूद थी उस जमाने की उनको पढ़ा और उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाया तो ये बात इंतहा ज़रूरी है ईमान में इजाफे के लिए और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए कि हमारे अंदर तलब इल्म की तड़प होनी चाहिए सीखने का जज्बा होना चाहिए उस सिलसिले में हमारे अंदर एक शौक होना चाहिए और उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और फिर इसी के साथ साथ अमली जिंदगी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भलाई और खैर के कामों का एहतमाम करना चाहिए क्योंकि इल्म जो है वो अमल की बुनियाद बनता है जब अल्लाह का इल्म होगा और अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफात का इल्म होगा तो आदमी के अंदर उसी लिहाज से अमल का जज्बा पैदा होगा इसलिए कुरान में हर जगह ईमान के साथ अमल सवाले की बात कही गई ईमान जब पैदा होगा यकीन जब पैदा होगा तो आदमी को अमल पर उभारेगा काम पर उभारेगा जो आदमी साहिब ईमान होगा वो बेअमल नहीं हो सकता है उसकी ज़िंदगी में एक अमली जद्दोजहद का जज्बा और उसकी कैफियत पैदा होगी तो हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भलाई और नेकी और ख़ैर के कामों की पाबंदी करें और इतना वसी रास्ता है और इतने किस्म के अमाल हैं खैर के कि आपके लिए हर वक्त दरवाज़ा खुला हुआ है तरह तरह के काम जो इस सिलसिले में अंजाम दिए जा सकते हैं ये जज्बा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम भलाई का काम करें का 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 ज्यादा से ज्यादा हम नेकी का काम करें का 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 एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग बैठे हुए थे आपने पूछा कि आज कौन आदमी रोजे से है किसने आज नफली रोजे का एहतमाम किया है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी तनों ने कहा कि मैं रोजे से हूँ फिर आपने दूसरा सवाल किया कि तुम में से किसने आज किसी मरीज़ की आदत की है तो फिर हजरत बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने की है फिर आपने तीसरा सवाल किया कि तुम में से किसने आज किसी मिसकीन को खाना खिलाया है तो हजरत सिद्दीक ने कहा कि मैंने खिलाया है फिर आपने कहा कि तुम में से कौन है जिसको आज किसी जनाजे में शिरकत की शादत नसीब हुई है तो फिर हजरत बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने शिरकत की तो आप देखिए कि चार तरह के अमाल के बारे में आपने पूछा और इनका ताल्लुक चार नेकियों से है जनाजे में शिरकत मिसकिन को खाना खिलाना मरीज़ की आदत करना और रोज़े का अहतमाम और चारों के जवाब में हज़रत मुबकर सिद्दीक ने कहा कि मुझे यह तोफ़ी मिली है आप इसे अंदाजा कर सकते हैं कि कैसा जज्बा पैदा किया था अल्लाह के रसूल वसम ने उन लोगों के अंदर कि ज्यादा से ज़्यादा नकी का काम करें आपने फरमाया कि ये चारों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर किसी शख्स के अंदर ये चारों चीज़ें इकट्ठा हो जाएं तो उसकी निजात का ज़रिया बन जाए उसकी कामयाबी का ज़रिया बन जाए ये जज्बा होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी का काम करें और नेकी के काम मुख्तलिफ तरह के हैं बहुत से दरवाज़े हैं बहुत से रास्ते हैं उन रास्तों को हमें अख्तियार करना चाहिए एक हदीस में आपने फ़रमाया कि आदमी जब हर रोज सुबह करता है तो उसके जिस्म में जितने पोर हैं तो उतना उसके ऊपर सदका वाजिब हो जाता है तो लोगों ने कहा कि इतना सदका कैसे कोई करेगा आपने कहा कि अगर किसी को भली बात बता दो तो ये भी सदका है किसी को बुराई से रोक दो तो ये भी सदका है किसी की मदद कर दो ये भी सदका है रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा दो ये भी सदका है आपने फरमाया अमानो आला सितू न शोबा तरीक़ आपने कहा कि जो ईमानी अमाल हैं वो साठ से ज्यादा हैं एक रवायत में सत्तर से ज्यादा हैं यानी बहुत हैं अमाल ईमानी बहुत हैं मुख्तलिफ़ तरह के हैं रास्ता खुला हुआ है आपने कहा कि सबसे आला और बुलंद तरीन चीज कलम का एलान है और कम से कम जो चीज़ है के रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना जिससे आने जाने वालों को परेशानी होती है उसको हटा देना तो आमाल ईमान बहुत है आदमी के लिए एक रास्ता खुला हुआ है वह फाला फल या तनाफसल तनाफिसन ये वो मैदान है जिसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम नए का, का काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम भलाई का, का काम करेंगे तो आमाल खैर का अहतमाम करना और उसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना ये एक बड़ी अहम चीज़ है जिसके जरिए से ईमान मजबूत होता है और अल्लाह से हमारा ताल्लुक कभी होता है नाजरीन यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे और वक्फे के बाद गुफ्तुओं का सिलसिला जारी रहेगा वक्फे के बाद नाजरीन फिर आपका इस्तबाल है आमाल साल और उनके अंदर तनवा मुख्तलिफ तरह के आमाल साल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश ये साहबा कराम का एक तुर्रई इम्तियाज हमें उनकी सीरत के मताले से ये बात नज़र आती है आदमी की जिस तरह की सोच होती है जिस तरह के ख्याल होते हैं उसी तरह के सवाल पैदा होते हैं चुनाच आप देखिए कि साहबा जो सवाल करते थे तो नबी सलम से पूछते थे अय्य लामा अफजल एल्ला के रसूल सबसे अफजल अमल क्या है इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके अंदर जो जज्बा था और जो तड़प थी वो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पसंदीदा अमल हो उसको वह अख्तियार करें ताकि उसके ज़रिए से अपने रब को खुश कर सके तो उनकी सोच इस तरह की बनी थी अल्लाह के रसूल वसम की तरबियत क़ुरान से शगफ और उसके ताल्लुक़ की बुनियाद पर कि वह अमाल साल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे तो ये ऐसी तदबीर है नेकियों का अहतमाम अमाल खैर का अहमाम जिससे अल्लाह से तल्लुक बड़ा कवि होता कुरान में इसीलिए ईमान के साथ अमल साले की बात कही गई ईमान अगर सही होगा ताकतवर होगा तो अमाल साल की बाहर आएगी ज़िंदगी में और ज़्यादा से ज़्यादा भलाई का काम करने का शौक़ पैदा होगा उसका जज्बा पैदा होगा और आदमी उसके लिए मेहनत करेगा उसके लिए तगो करेगा अलबत्त अमाल साल के सिलसिले में और उनके अहतमाम के सिलसिले में चंद चीज़ें हैं जिनको सामने रखना चाहिए उसमें से पहली चीज़ ये है कि इसमें सबक़त करनी चाहिए जल्दी करनी चाहिए टालना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ नहीं मालूम हमें कितनी मोहलत मिलेगी और कितनी मोहलत नहीं मिलेगी कल फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुरान ने कहा है सारे हुए ला मकफ़रत मब को दौड़ो लपको नेकी की तरफ मकफ़रत की तरफ जन्नत की तरफ तो इसमें टाल मटोल की बात नहीं होनी चाहिए ताखिर नहीं करना चाहिए बल्कि हर दिन को हर लम्हे को गनीमत समझना चाहिए मौका तलाश करना चाहिए और इस सिलसिले में कोताही नहीं करनी चाहिए दूसरी बात यह है कि इस सिलसिले में इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि हम बराबर नेकी का काम करें ऐसा नहीं कभी जोश में आए तो बड़ा काम किया उसके बाद ठंडे पड़ गए अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं ताल को जो बात पसंद है वो ये है कि आपके काम के अंदर तसलसल होना चाहिए बराबर उस काम को करना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतरीन और पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो है जो बराबर किया जाए हब्बुल्ला जाहिर है कि जो फराइज़ हैं फ़राज़ को तो हर हाल में अंजाम देना है हमें अख्तियार ही नहीं कि उसको छोड़ें लेकिन फ़रज़ के बाद जो नवाफिल हैं जो खैर के काम हैं उन कामों के सिलसिले में जो शरीय का मिजाज है और अल्लाह के रसूल ने जो तालीम और तरबियत दी है वो ये है कि नवाफिल में आप उन चीज़ों का अहतमाम करें जिन पर आप दवा अख्तियार करें ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक यही है कि वो काम आप करें जो मुसलसल करें चाहे कम हो लेकिन उसके अंदर जो है तसलसल होना चाहिए ये चीज़ पसंदीदा है अल्लाह के रसूल ने फरमाया है माँ यजा लो अबी तक्रबोले बिन नवाफिल हती अहब हूँ कि बंदा मुसलसल नेकियों के जरिए से मुझसे करीब होता रहता है करीब होता रहता है यहाँ तक कि वो मेरा महबूब बन जाता है और जब वो मेरा महबूब बन जाता है तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है फिर वो मेरी पनाह में आता है मैं उसको अपने पनाह में ले लेता हूँ और जो मुझसे मांगता है मैं उसकी मुरादें पूरी कर देता